दहेज प्रताड़ना के मामले में अब आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। आईपीसी की धारा 498 ए यानी दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले में सुधार कर दिया है। ये आंकड़े साफ करते हैं कि दहेज उत्पीड़न के मामले देश में लगातार बढ़े हैं। हालांकि फर्जी मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सवाल महिलाओं के इंसाफ का है। इसीलिए शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दहेज प्रताड़ना के मामलों की जांच के लिए सिविल सोसाइटी की कमेटी नहीं बनाई जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होगी। अलबत्ता इसे जांच अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। का जो लेजिस्लेशन था, लेजिस्लेशन का इंटेंट था टू सिक्योर द लेडीज, टू सिक्योर द वुमन और वाइफ। उसका उस पर्पस में ये नहीं था कि हाँ हस्बैंड उसे हस्बैंड एज अ विक्टिम हो, है ना, उसे एक विन विन सिचुएशन बोथ द पार्टीज होना चाहिए। पिछले साल कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर लचीला रुख दिखाया था। कोर्ट ने 498 ए के तहत महिला की शिकायत आने पर पति और ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि महिला की शिकायत सही है या नहीं पहले इसकी पड़ताल होगी। पड़ताल तीन लोगों की एक नई अलग समिति करेगी। ये समिति सिविल सोसाइटी की होगी। इस नई समिति का नाम परिवार कल्याण समिति होगा। उसकी रिपोर्ट आने तक पुलिस को गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं करनी। वैसे निर्देश ये भी दिया गया कि इस समिति की रिपोर्ट को मानना शिकायत की जांच कर रहे अफसर या मजिस्ट्रेट पर लाजमी नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने दो जजों की बेंच के फैसले में संशोधन कर दिया है और कहा इस तरह कोर्ट कानून की खामियों को नहीं भर सकता। सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन न्यायधर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका कहना है कि फैसले के बाद महिलाओं को परेशानी हो रही है और फैसले के बाद कोई शिकायत नहीं आ रही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।